हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी हैव वीक नंबर 9। इन दिस वीक वी विल कवर लेक्चर नंबर 16। द मेजर टॉपिक्स इंक्लूड इन दिस लेक्चर आर लेबल, लिंक लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, ग्रुप बॉक्स, पैनल, पिक्चर बॉक्स। ये सारे के सारे कंट्रोल्स हैं, तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप से ये किस तरह बना सकते हैं GUI इनके थ्रू। हम लेबल किस तरह यूज़ करेंगे, लिंक लेबल किस तरह यूज़ करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स किस तरह बनाएंगे, बटन, ग्रुप बॉक्स क्या होता है और इसको किस तरह यूज़ करेंगे प्रोजेक्ट में, पैनल क्या होता है, पैनल को किस तरह यूज़ करेंगे हम अपनी प्रोग्राम में, पिक्चर बॉक्स क्या होता है और किस लिए यूज़ होते हैं, ये सारे कंट्रोल्स इस लेक्चर में हम ये कवर करेंगे। GUI क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर का जस्ट समरी है। GUI इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जिस तरह आप ग्राफिकल आइकन्स देखते हैं विंडो के डेस्कटॉप पे, एग्जैक्टली उसी तरह हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस बनाएंगे, आइकन्स रखेंगे, बटन्स बनाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, रेडियो बटन बनाएंगे। ये सारे GUI के कंट्रोल्स हैं। GUIs आर बिल्ट फ्रॉम GUI कंट्रोल। GUI किससे बनती है, GUI कंट्रोल से बनती है। GUI कंट्रोल यही बटन है, रेडियो बटन है, टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये सारे GUI कंट्रोल्स में आते हैं। GUI कंट्रोल्स आर ऑब्जेक्ट्स, दे कैन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। GUI कंट्रोल्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैं ऑब्जेक्ट बना, ये बटन बनाता हूँ, तो बटन एक क्लास है। बटन का जब ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो विजुअल इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाते हैं। GUI एनेबल यूज़र टू इंटरेक्ट विद एन ऐप बाय द माउस, कीबोर्ड एट्सेट्रा। GUI के थ्रू हम GUI कंट्रोल से इंटरेक्शन करते हैं वाई कीबोर्ड या माउस, माउस कीबोर्ड को यूज़ करके इन बटन के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं। बटन पे क्लिक करते हैं, रेडियो बटन सेलेक्ट करते हैं, तो ये क्या है, इंटरेक्शन है। GUI अलाउज अ यूज़र टू इंटरेक्ट विजुअली विद अ प्रोग्राम। GUI जिस प्रोग्राम में GUI है, हम विजुअली भी देख सकते हैं कि ये आइकन बना है, ये बटन है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो विजुअल इंटरेक्शन भी हम प्रोग्राम के साथ कर सकते हैं। GUI गिव्स अ प्रोग्राम अ डिस्टिंक्टिव लुक एंड फील। GUI प्रोग्राम को एक अलग सा एक डिस्टिंक्टिव लुक एंड फील देता है, एक प्रोग्राम को या यूज़र इंटरफेसेस को। लेबल क्या होता है, लिंक लेबल क्या होता है, लेबल एंड लिंक लेबल दीज आर आल्सो कंट्रोल्स, वी कैन बिल्ड GUI फ्रॉम दीज कंट्रोल्स। लेबल्स क्या होते हैं, लेबल्स प्रोवाइड टेक्स्ट इंफॉर्मेशन एज वेल एज ऑप्शनल इमेजेस। लेबल क्या होते हैं, नॉर्मली जब आप कोई यूज़र इंटरफेस ओपन करते हैं तो उधर एक लेबल आपको नज़र आता है, फॉर एग्जांपल नेम या इंटर नेम, आगे टेक्स्ट बॉक्स बना होता है। ये नेम या इंटर नेम क्या है, ये लेबल है। इसी तरह नीचे लिखा होता है पासवर्ड, तो ये क्या है, आगे पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स, ये लेबल्स हैं। आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि आगे टेक्स्ट बॉक्स किस चीज़ का है, तो ये लेबल्स हैं। लेबल्स प्रोवाइड टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, लेबल्स क्या करते हैं, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज ऑप्शनल इमेजेस। लेबल्स में हम इमेजेस भी रख सकते हैं, आइकन के तौर पर आइकन रख सकते हैं, इमेजेस रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल उधर लॉगिन का बटन है, लॉगिन, और इधर साथ आपने की रख दिया, तो ये की क्या है, की इमेज रख दिया, तो इमेज है। इमेज और टेक्स्ट आप लेबल्स पे रख सकते हैं। अ लेबल डिस्प्लेस टेक्स्ट दैट द यूज़र कैन नॉट डायरेक्टली मॉडिफाई। लेबल किस तरह टेक्स्ट होता है, लेबल इसी तरह टेक्स्ट होता है कि आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको एडिट नहीं कर सकते। लेबल जब आप बनाते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं, तो लेबल के साथ आप लेबल को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो लेबल था। दूसरा है लिंक लेबल। लिंक लेबल क्या होता है, नॉर्मली जब आप कोई विंडो ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल लॉगिन वाली विंडो, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो लॉगिन बटन के नीचे आप देखते हैं न्यू यूज़र क्वेश्चन मार्क्स, कि आप न्यू यूज़र हैं, वो अंडरलाइन लिंकेबल टेक्स्ट होता है। लिंक मतलब अगर आप इस पर क्लिक कर दें तो आपको वो नेक्स्ट या तो वेबसाइट पे या फॉर्म पे ले जाते हैं। तो लिंक लेबल क्या होते हैं, लिंक लेबल कंट्रोल्स अलाउ यू टू क्रिएट वेब स्टाइल लिंक्स ऑन योर फॉर्म। लिंक लेबल क्या करते हैं, जिस तरह वो लिंक्स वेब में हम होम, कंटेक्टर्स, रजिस्ट्रेशन, इसी तरह लिंकेबल मेन्यू नहीं बनाते, एग्जैक्टली उसी तरह इधर भी हम लेबल्स को लिंक दे सकते हैं, तो वो क्या है, लिंक लेबल है।
The link label is used internally in your program to launch a web browser. लिंक लेबल किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं? या तो हम लिंक लेबल यूज़ करते हैं नेक्स्ट विंडो पे शिफ्ट होने के लिए, या वेब ब्राउज़र ओपन करने के लिए हम लिंक लेबल यूज़ कर सकते हैं। लेबल और लिंक लेबल में क्या फ़र्क है? लेबल पे अगर आप क्लिक कर ले तो कुछ नहीं होता, वो जस्ट टेक्स्ट होता है, इंफॉर्मेशन होता है आपके लिए। लिंक लेबल क्या होते हैं? वो भी एक मैसेज होता है, इंफॉर्मेशन होते हैं आपके लिए, लेकिन उस पर लिंक एप्लीकेबल होता है। अगर आप उस पर क्लिक कर ले तो आप नेक्स्ट वेब ब्राउज़र भी ओपन कर सकते हैं या नेक्स्ट फॉर्म विंडो भी ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये जस्ट एक फॉर्म है, इसमें जो नेम और पासवर्ड आपको नज़र आ रही हैं लेफ्ट हैंड साइड पे टेक्स्ट में, ये लेबल्स हैं, नॉर्मल लेबल्स हैं। नेम, पासवर्ड, नेम और पासवर्ड के आगे जो गिवन है, नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आप कुछ एंटर कर सकते हैं। पासवर्ड के अंदर आगे टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें आप कुछ एंटर कर सकते हैं। ये क्या है? ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे नेम और पासवर्ड ये लेबल्स हैं, राइट हैंड साइड पे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। इसके नीचे लॉगिन बटन है, ये लॉगिन बटन है। इसके नीचे जो ब्लू कलर में है, न्यू रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन मार्क्स और अंडरलाइन है, ये क्या है? लिंकेबल लिंक है, लिंक लेबल है। ये क्या है? लिंक लेबल है। इस पर अगर आप क्लिक कर ले, या तो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन विंडो में भी जा सकते हैं और इससे आप वेब ब्राउज़र भी ओपन कर सकते हैं। तो क्या है ये? लिंक लेबल है। अच्छा, लिंक लेबल टू ओपन अदर फॉर्म, लिंक लेबल को हम दूसरा फॉर्म, दूसरा विंडो फॉर्म ओपन करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह प्रीवियस विंडो में गिवन है कि आप न्यू यूज़र हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो मतलब अपना ईमेल बनाना चाहते हैं, अगर इस पर आप क्लिक कर ले तो न्यू विंडो मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसकी इस लिंक लेबल को हम इसके लिए हम हैंडलर बनाएंगे, मतलब ये इवेंट है, जब हम डबल क्लिक करेंगे तो इवेंट अगर हो जाएगा तो उस इवेंट को हैंडल करने के लिए हम इवेंट हैंडलर बनाएंगे। तो आप अभी इवेंट हैंडलर किस तरह बनाएंगे? इस लिंक लेबल को डिज़ाइन फॉर्म में डबल क्लिक कर लें तो इसके लिए ये बन जाएगा हैंडलर। ये भी टू पैरामीटर लेता है, ऑब्जेक्ट सेंडर और लिंक लेबल लिंक क्लिक इवेंट आर्क्स ई। आप सिंपल इवेंट आर्क्स ई भी लिख सकते हैं, वो पेरेंट क्लास है। ये लिंक लेबल लिंक क्लिक इवेंट आर्क्स इसका चाइल्ड है इवेंट आर्क्स का, तो भी लिख सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेंडर में इंफॉर्मेशन है कि किस कंट्रोल की वजह से यह अकर हो चुका है, और इवेंट आर्क्स लिंक लेबल क्लिक इवेंट आर्क्स में ये किस इवेंट से क्लिक किया है, कीबोर्ड से सेलेक्ट किया है, किस इवेंट से यह अकर हो चुका है। अच्छा, हम दूसरा फॉर्म किस तरह ओपन कर सकते हैं? पहले तो आप प्रोजेक्ट में दूसरा विंडो फॉर्म बनाएंगे। जब आप विंडो फॉर्म बनाएं तो इस ये लिंक लेबल के इवेंट हैंडलर में आप उस फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जिस तरह मैंने फॉर्म टू बनाया है, इस फॉर्म टू का मैंने फॉर्म टू ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर्म टू इज इक्वल टू न्यू फॉर्म टू, ये ऑब्जेक्ट बन गया और फॉर्म टू डॉट शो कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, जब आप इस क्लिक ये लिंक लेबल पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म टू ओपन हो जाएगा। अब मैं जो पुराना फॉर्म विजिबल था वो उसको मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा है दिस डॉट हाइड, मतलब जो पुराना फॉर्म था उसी फॉर्म में ये हैंडलर है ना, इसी वजह से दिस लिखा है। लिंक लेबल वन ये जो हैंडलर बनाया है ये उसी फॉर्म उसी क्लास में बनाया है, मतलब फॉर्म वन में बनाया है, तो इसी वजह से दिस डॉट हाइड लिखा है कि फॉर्म वन को क्लोज कर दें। फॉर्म टू ओपन हो जाएगा, शो हो जाएगा, और फॉर्म वन क्लोज हो जाएगा। ये है दूसरा फॉर्म ओपन करने का मेथड, मतलब ये हैंडलर है, लिंक लेबल पे जब हम क्लिक करेंगे तो फॉर्म टू ओपन हो जाएगा। अच्छा, सेकंड हम लिंक लेबल किस लिए यूज़ करेंगे? वेबसाइट ओपन करने के लिए, आप कोई भी ये यूआरएल गिवन है उसको ओपन करने के लिए। कभी कभी हम फॉर्म से लिंक देते हैं कि हेल्प के लिए ये वेबसाइट ओपन हो जाए, तो उसको उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम लिंक लेबल यूज़ कर सकते हैं। लिंक लेबल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो नए फॉर्म या वेबसाइट में हम जा सकते हैं, वो क्लिक लेबल होती है। तो आप अब चेंज किधर हैं? वो भी हैंडलर में है। प्रीवियस हमने हैंडलर में क्या लिखा था कि न्यू फॉर्म ओपन कर ले, अब उसी हैंडलर को हमने ओवरराइड किया, वो बता ख़त्म कर दिया, वो टेक्स्ट ख़त्म कर दिया, और हमने ये सूट मतलब सरहद यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वो लिंक गिवन है,
न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगी तो सरहद यूनिवर्सिटी का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। प्रोसेस डॉट स्टार्ट क्या है, प्रोसेस एक क्लास है, सिस्टम में डायग्नोस्टिक में डिफाइन है। सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक डॉट प्रोसेस डॉट स्टार्ट, स्टार्ट क्या है उसमें एक मेथड है, फंक्शन है। प्रोसेस डॉट स्टार्ट को आप एक लिंक देंगे, यूआरएल देंगे, तो जब भी आप उस ये लिंक लेबल पे क्लिक करेंगे तो वो यूआरएल को वो ओपन कर देगा। लिंक लेबल वन डॉट लिंक विजिटेड इज इक्वल टू ट्रू, हमारा जो लिंक लेबल है उसका नाम क्या है, लिंक लेबल वन। लिंक विजिटेड इज इक्वल टू ट्रू का क्या मतलब है, जब आप इस पर क्लिक कर दें तो वो विजिटेड लिंक हो जाएगा, मतलब विजिटेड हो गया। विजिटेड लिंक का कलर थोड़ा बहुत चेंज होता है तो कलर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये था लेबल और लिंक लेबल। अब टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स क्लास, टेक्स्ट बॉक्स इज एन एरिया इन विच आइदर टेक्स्ट कैन बी डिस्प्लेड बाय अ प्रोग्राम और द यूजर कैन टाइप टेक्स्ट बाय द कीबोर्ड। टेक्स्ट बॉक्स मोस्टली किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, यूज़र उसमें टेक्स्ट इनपुट करता है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स को आप किसी भी टेक्स्ट को शो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम रन हो जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ये टेक्स्ट आ जाए, तो इस चीज़ के लिए भी आप टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब टेक्स्ट बॉक्स नॉर्मली यूज़ हैं, वो यूज़र से इनपुट लेना है कि उसमें यूज़र कुछ इंटर कर ले। टेक्स्ट बॉक्स एक क्लास है, इसका हम ऑब्जेक्ट बना के तो टेक्स्ट बॉक्स शो होता है। टेक्स्ट बॉक्स इनेबल्स द यूज़र टू इंटर एडिटेबल टेक्स्ट वाई कीबोर्ड, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू हम या यूज़र टेक्स्ट इंटर कर सकता है कीबोर्ड के थ्रू, वो एडिटेबल टेक्स्ट हैं, आप टेक्स्ट इंटर करते जाएँ और साथ चेंज कर भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना नाम इंटर कर रहे हैं, गलती से कुछ टाइप हो गया तो आप बैक की से वो रिमूव भी कर सकते हैं, वो एडिटेबल टेक्स्ट होता है टेक्स्ट बॉक्स में। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स इज़ अ टेक्स्ट बॉक्स दैट हैज़ देयर परमिशन इंटर बाय द यूज़र। पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स क्या है, अच्छा जब आप टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेंगे तो इसके लिए एक ही कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, तो अब उस टेक्स्ट बॉक्स से पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स भी हम बना सकते हैं। पहले पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स हमसे इंफॉर्मेशन हाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पासवर्ड इंटर करते हैं तो वो पासवर्ड करेक्टर शो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेरिक है तो स्टेरिक शो होते हैं, आप कोई करेक्टर रख दे पासवर्ड के लिए तो वो करेक्टर आपके लिए शो हो जाएगा, बजाय ये कि 1 2 3 ABCD जो आप पासवर्ड देते हैं वो शो हो जाए, नहीं। तो पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में आपको वो पासवर्ड करेक्टर शो होंगे, मतलब स्टेरिक या प्लस जो भी करेक्टर आप रखते हैं। एज द यूज़र टाइप्स करेक्टर द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स मेक्स द यूज़र इनपुट बाई डिस्प्लेइंग अ पासवर्ड करेक्टर, आपको पासवर्ड करेक्टर शो हो जाएगा कि ओरिजिनल इंट्री शो नहीं हो जाएगी। इफ़ यू सेट द प्रॉपर्टी यू सिस्टम पासवर्ड चार टू ट्रू द टेक्स्ट बॉक्स बिकम अ पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। इस तरह मैंने कहा कि टेक्स्ट बॉक्स एक ही है जिसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, किसी से आप पासवर्ड टेक्स्ट बनाते हैं, तो पासवर्ड टेक्स्ट हम किस तरह बनाते हैं, जिस टेक्स्ट बॉक्स से आप पासवर्ड टेक्स्ट बनाना चाहते हैं पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, तो उस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर दें और उसकी प्रॉपर्टी में जाएं, यू सिस्टम पासवर्ड चार को ट्रू कर दें, तो वो वाला टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। मतलब उस टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ आप टाइप करेंगे वो आपको शो नहीं होंगे बल्कि पासवर्ड करेक्टर शो हो जाएगा। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स से हम टेक्स्ट किस तरह गेट कर सकते हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्स्ट बॉक्स तो हमने बना लिया, अब इस टेक्स्ट बॉक्स से हम टेक्स्ट किस तरह गेट करेंगे, तो प्रीवियस वेंटू में मैं दिखा चुका हूँ कि टू टेक्स्ट बॉक्स से हमारे पास और एक बटन, उस बटन पे मैंने इवेंट हैंडलर इम्प्लीमेंट किया, मतलब इवेंट इम्प्लीमेंट किया तो उसकी बैकेंड में ये इवेंट हैंडलर कोड है, इवेंट हैंडलर बन गया। इस फंक्शन में मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। हमने जो टू टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे, एक का नाम था टेक्स्ट बॉक्स वन, दूसरा का टेक्स्ट बॉक्स टू। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स इधर भी स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं, आप इसमें 1 2 3 इंटर कर दें तो 1 2 3 इन स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न होंगे, मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, आप इसको अपने स्पेसिफिक डेटा टाइप में गेट कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब टेक्स्ट बॉक्स में आप जो कुछ इंटर करेंगे हम उसको, चूँकि लेबल नेम था तो नेम में स्टोर करेंगे और दूसरे का पासवर्ड था तो पास में स्टोर करेंगे, आप ये नेम डिफरेंट रख सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए कि फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में मैं नेम स्टोर करना चाहता हूँ, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में मैंने पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स बनाया तो पासवर्ड गेट करना चाहता हूँ। अच्छा, अब आगे लिखा है स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, चूँकि ये पहले टेक्स्ट बॉक्स का नेम है टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। ये टेक्स्ट क्या है, ये गेटर फंक्शन है,
गेटर सेटर्स सी शार्प में टू मेथड से हम बना सकते हैं, जिस तरह हमने गेट सेट का वो एक एक मेथड बनाया था। अब ये टेक्स्ट जो लिखा है txt, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स से जो टेक्स्ट है वो उठाएगा, नेम स्टोर कर देगा, मतलब गेटर है ये। टेक्स्ट बॉक्स वन में आप जो कुछ टाइप करेंगे तो ये टेक्स्ट गेटर है, इसको उठा के नेम स्टोर कर देगा। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग पास टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट बॉक्स टू से टेक्स्ट को उठा के पास में स्टोर कर देगा। और अब अगर मैं मैसेज बॉक्स में शो करना चाहूँ तो मैं सिंपल लिखूँगा मैसेज बॉक्स डॉट शो यूर नेम इज़ नेम एंड पासवर्ड इज़ पास, तो वो शो हो जाएंगे। अच्छा आगे है ग्रुप बॉक्स एंड पैनल। ग्रुप बॉक्स एंड पैनल क्या है, पैनल तो जावा में भी था, ये कंटेनर था, हम इसमें कंपोनेंट या कंट्रोल ऐड कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप बॉक्स क्या है, ग्रुप बॉक्सेस एंड पैनल्स अरेंज कंट्रोल्स ऑन GUI। ग्रुप बॉक्सेस एंड पैनल्स क्या करते हैं, GUI कंट्रोल को अरेंज करते हैं। ग्रुप बॉक्सेस एंड पैनल्स आर टाइपिकली यूज्ड टू ग्रुप सेवरल कंट्रोल्स ऑफ सिमिलर फंक्शनैलिटी और सेवरल कंट्रोल्स दैट आर रिलेटेड इन GUI। ये ग्रुप बॉक्सेस एंड पैनल किस लिए यूज़ होते हैं, ये कंट्रोल्स का ग्रुप बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आप ग्रुप बनाते हैं, रिलेटेड कंपोनेंट का एक ग्रुप बनाते हैं, फिर दूसरे रिलेटेड कंपोनेंट का दूसरा ग्रुप बनाते हैं, तो या तो आप ग्रुप बॉक्सेस यूज़ करेंगे या पैनल्स। ऑल ऑफ द कंट्रोल्स इन अ ग्रुप बॉक्स और पैनल मूव टुगेदर व्हेन द ग्रुप बॉक्स और पैनल इज मूव। जो कंट्रोल्स आप ग्रुप बॉक्स में स्टोर करते हैं, ग्रुप बॉक्स में बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं या पैनल में बनाते हैं, पैनल मतलब पैनल में बंद करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो जब आप पैनल या ग्रुप बॉक्स को मूव करना चाहें तो उस ग्रुप बॉक्स और पैनल में जितनी भी कंट्रोल्स हैं वो भी साथ मूव होते जाएंगे, जिधर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे उधर रुक जाएंगे, ड्रैग ड्रॉप हो जाएंगे। फर्दर मोर अ ग्रुप बॉक्सेस एंड पैनल्स कैन ऑल्सो बी यूज टू शो और हाइड अ सेट ऑफ कंट्रोल्स एट वंस। ग्रुप बॉक्सेस और पैनल्स को हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी कंट्रोल्स के ग्रुप को हम हाइड करना चाहें या शो करना चाहें एट वंस, तो उस ग्रुप बॉक्स की प्रॉपर्टी में अगर हम हाइड कर दें तो वो ग्रुप बॉक्स में जितनी भी हैं वो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे या पैनल में। व्हेन यू मॉडिफाई अ कंटेनर विजिबल प्रॉपर्टी इट टॉगल्स द विजिबिलिटी ऑफ द कंट्रोल विद इन इट। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उस कंटेनर की प्रॉपर्टी को अगर आप विजिबल ट्रू या फॉल्स कर दें तो वो उस कंटेनर में जितनी भी कंट्रोल हैं या तो विजिबल या गायब हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। ग्रुप बॉक्स एंड पैनल में डिफरेंट क्या है, जिस तरह जावा में हम पैनल यूज़ कर रहे थे इधर ग्रुप बॉक्स भी हैं पैनल भी हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें से जो थोड़े से डिफरेंस है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंट्रोल्स इज दैट ग्रुप बॉक्सेस कैन डिस्प्ले अ कैप्शन दैट इज टेक्स्ट एंड डू नॉट इंक्लूड स्क्रोल बार्स। ग्रुप बॉक्स में क्या होता है, ग्रुप बॉक्स पे कैप्शन टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप बॉक्स का जो विंडो ये बॉर्डर बनी है उन पे आप कैप्शन डिस्प्ले कर सकते हैं कि इस ग्रुप बॉक्स का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉगिन है, साइन अप है, ये दूसरे पी ग्रुप बना सकते हैं, नाम रख सकते हैं, कैप्शन लिख सकते हैं। और ग्रुप बॉक्स में स्क्रोल बार नहीं होता, मतलब कैप्शन होता है टेक्स्ट आप नाम रख सकते हैं लेकिन इसमें स्क्रोल बार नहीं होता कि आप स्क्रोल डाउन स्क्रोल अप कर सकें। वेयर एज पैनल्स कैन इंक्लूड स्क्रोल बार्स, जबकि पैनल में क्या होता है, स्क्रोल बार तो होता है एंड डू नॉट इंक्लूड अ कैप्शन, बट इसमें कैप्शन नहीं होता, आप पैनल का नाम नहीं रख सकते। ग्रुप बॉक्सेस हैव थिन बॉर्डर्स बाय डिफ़ॉल्ट, जब आप ग्रुप बॉक्स बनाते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक थिन बॉर्डर्स आ जाता है, आप उसकी सेटिंग नहीं कर सकते। पैनल्स कैन बी सेट सो दैट दे ऑल्सो हैव बॉर्डर्स बाय चेंजिंग देयर बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। पैनल्स को आप चेंज कर सकते हैं, पैनल्स के बॉर्डर को आप चेंज कर सकते हैं, पैनल में बॉडी होती है, बॉर्डर होते हैं लेकिन आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। पिक्चर बॉक्स क्या होता है, पिक्चर बॉक्स प्रोवाइड्स अ रेक्टेंगुलर रीजन फॉर एन इमेज। अगर आप कोई इमेज डिस्प्ले करना चाहें तो आप पिक्चर बॉक्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। इट सपोर्ट्स मैनी इमेजेस पावर मिनट PNG GPG, इसमें डिफरेंट इमेजेस आप ये सेट कर सकते हैं। इट हैज़ एन एडजस्टेबल साइज, आप साइज रिसाइज कर सकते हैं ये इमेज का। इट कैन एक्सेस इमेज फाइल्स फ्रॉम यूअर डिस्क, ये पिक्चर बॉक्स किसी आपकी कंप्यूटर में कहीं पर भी ये इमेज स्टोर हो तो ये उसको गेट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। वही फॉर्म है, जस्ट एक टाइटल दिया है साइन इन, तो मैंने ग्रुप बॉक्स यूज़ किया है, आप पैनल भी यूज़ कर सकते हैं।
ग्रुप बॉक्स पर देखते हैं, मैंने ये कैप्शन भी दिया है साइन इन, तो हम इधर इंटर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखते हैं पिक्चर बॉक्स में मैंने एक इमेज इधर शो किया है, तो आप इस कोड को, इस प्रोग्राम को ट्राई कर लें, रन कर दें। नेक्स्ट टाइम हम और जो है इसके दूसरे कंट्रोल्स पढ़ लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।